मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना जमात पंजवी का विषय पंजाबी का पार्ट 4 रीड करेंगे, जिसका नाम है विद्या। एक कविता है, देखो चैप्टर 4 विद्या एक कविता है, रीड करते हां। हरथा मान दिवावे विद्या चंगे इंसान बनावे विद्या। कि विद्या मतलब पढ़ाई, जे असी पढ़ लिख जाने हाँ तो सानू हर जगह तारीफ ही तारीफ मिलती है। माण मतलब तारीफ। चंगे इंसान बनावे विद्या कि मनुख जेड़ा है, इंसान जेड़ा है, वो चंगी तरह रहना खाना पीना सीख जाता है। जेड़ा भी दिल ला के पढ़ता तरक्की दी ओ पौड़ी चढ़दा। कि जेड़ा बच्चा भी दिल ला के पढ़ लैंदा है तरक्की दी ओ पौड़ी चढ़दा। ओह तरक्की दी, तरक्की मतलब उन्नति विकास वाधा, कि ओह उन्नति दी पौड़ी चढ़ जांदा है, मतलब वो बहुत कुछ सीख लैंदा है ते ओह तरक्की कर जांदा है। सुख दी रोटी खवावे विद्या चंगे इंसान बनावे विद्या। सुख दी रोटी, सुख दी रोटी मीनस कि असी पढ़ लिख के असी कोई चंगे इंसान बन जाने हाँ, वड्डी कोई वधिया जगह ते जॉब लग जाने हाँ असी, ता असी सानू असी कुछ कमा के वधिया रोटी सुख दी रोटी खा सकते हाँ। चंगे इंसान बनावे विद्या कि सानू विद्या सानू चंगा मनुख बनाने च सहायता दिंदी है। जिसने भी ये पल्ले बन्नी अपने सरां दी गल मनी। कि जिस बच्चे ने भी ये गल पल्ले बन ली, मतलब विद्या उन्हों विद्या हासिल करनी ही है। जेड़ा बच्चा यह समझ गया कि विद्या बिना कुछ भी नहीं है, अपने सरां दी गल मनी। कि जिसने यह समझ लिया कि विद्या बिना कुछ नहीं है, सरां मतलब अध्यापक या वड्डे वड्डे बंदियां तो उन्हों पता लग गया कि विद्या ही साडे वास्ते सब कुछ है, ता ओह चंगा इंसान बन सकता है। अंबरी उन्हों पहुँचावे विद्या चंगे इंसान बनावे विद्या। अंबरी मतलब आसमान, आसमान तक मतलब कि ओह पढ़ लिख के वड्डा आदमी बन जाता है, वधिया जॉब ते लग जाता है, कि उसके थले छोटे अफसर भी काम करन लग जाते हैं, तो ओह वड्डा इंसान बन जाता है। इस बिना की जगते जीना बंदा आपनू समझे हीना। इस बिना मतलब विद्या तो बिना जगते की जीना, मतलब कि विद्या अगर असी नहीं ले सकते, असी पढ़ लिख नहीं सकते, नहीं पढ़ांगे तो सानू जगते रहन ते भी आपनू कमजोरी या शर्म महसूस हुंदी है। बंदा आपनू समझे ही ना। जेड़ा बंदा पढ़ लिख जाता है ओह ता आपनू वड्डा आदमी समझन लग जाता है, ते जेड़ा बंदा नहीं पढ़ लिख सकता तो ओह आपनू कमजोर समझन लग जाता है, ओह पढ़े लिखे बंदे तो आपनू नीवा समझन लग जाता है। हौसला खूब वधावे विद्या चंगे इंसान बनावे विद्या। हौसला मतलब हिम्मत। अगर असी विद्या अगर असी पढ़ लिख जाने हाँ तो साढ़े सानू आपनू हिम्मत मिलती है चंगे इंसान बनावे विद्या, ते असी विद्या पा के चंगे इंसान भी बन सकते हाँ। बहुत ईजी कविता है। अगे है बुकवर्क देखते हाँ। औखे शब्दों के अर्थ, इंसान मनुख, अंबरी आसमानी, हौसला हिम्मत, तरक्की उन्नति विकास वादा, हीणा नीवा कमजोर। अगे सोचो ते बोलो मौखिक प्रश्न उत्तर है, हर था माण कौन दिवांदा है, विद्या। विद्या सानू हर था माण दिवांदी है। बच्चे चंगे इंसान किवें बन सकते हैं, विद्या हासिल करके। बच्चे चंगे इंसान विद्या हासिल करके बन सकते हैं। हेठा लिखे शब्दों का सही उच्चारण करो। ये शब्द लिखे हुए हैं, इन्हों का अपन सही उच्चारण करना है। इंसान, पल्ले बन्नी, अंबरी, हीणा। अगे है सही उत्तर चुनो। फर्स्ट है, सही इंसान कौन बनाता है, विद्या, लड़ाई झगड़ा या गुआंढी, विद्या। जो दिल ला के पढ़ता है वह केड़ी पौड़ी चढ़ता है, लकड़ी दी, सीमेंट दी या तरक्की दी, तरक्की दी। थर्ड है, किस दे बिना जगते जीना जीना नहीं है, विद्या दे, लड़ाई दे, खेड़ा दे। आंसर आऊगा विद्या दे। हौसला खूब कौन वधाउंदा है, विद्या, अंबर, सीमेंट। तो आंसर क्या होगा, विद्या। विद्या किस दी रोटी खवाउंदी है, दुख दी, सुख दी या प्यार दी। आंसर आएगा सुख दी। अगे है,
काफ़ी सत्रह पूरियां करो, ये लाइना दे रखिया है, विच विच डैश है, तो यह आपां नूं लाइन कंप्लीट करनी है, कविता दे विचों ही लाइन कंप्लीट करनी है। जेहड़ा भी दिल ला के पढ़दा तरक्की दी ओह पौड़ी चढ़दा, हौसला खूब वधावे विद्या, चंगे इंसान बनावे विद्या। अगे है व्याकरण, सही शब्द जोड़ चुन के गोला लगाओ, एना जो देखना है कि केड़ा शब्द सही लिखा होया है उन्दे ते सर्कल करना है। माण एवें लिखा जाता है तो आपां इहदे ते सर्कल करता, पढ़दा एवें लिखा जाता है तो आपां इहदे ते सर्कल करता, इंसान एवें लिखा जाता है तो आपां इहदे ते सर्कल करता। अगे है हेठां दसे अनुसार करो, पहला है बिंदी दी वरतों वाले कोई चार शब्द लिखो, ऐ जे शब्द लिखने हैं जेड़े बिंदी दी वरतों, जिन्हां ते बिंदी दी वरतों कीती गई होवे, थां, सरां, बिना, खेडां। अगे है टिप्पी दी वरतों वाले कोई चार शब्द लिखो, चंगे, ओहनू, बंदा, मन्नी। नैक्सट है अदक दी वरतों वाले कोई चार शब्द लिखो, तरक्की, विद्या, पल्ले, जग। चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, थैंक यू।